हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2019-20 के संबंध में, जिसकी जो है ताजा ब्रेकिंग न्यूज आई है कि पटना हाई कोर्ट का प्राथमिक शिक्षक बहाली 2019-20 पर रोक हटाने से इनकार कर दिया गया है। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार शिक्षा विभाग यह कह रहा है कि दिसंबर 2019 में CTET उत्तीर्ण करने वाले जो है आवेदक नहीं माने जाएंगे। तो आखिर ये पूरा मैटर क्या है, आज जो है इसी के बारे में हम अपने वीडियो में बात करेंगे कि पूरा मैटर क्या है, और आपको बताएंगे कि मैटर जो है किस चीज से संबंधित है। तो हमारे चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आइए दोस्तों, सबसे पहले जो है नजर डाल लेते हैं आज की जो न्यूज आई है 9 सितंबर 2020 की, उसके बारे में। तो इसमें बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक बहाली पर रोक हटाने से पटना हाई कोर्ट ने जो है अभी इनकार कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है एक एक करके क्रमानुसार पूरे घटनाक्रम को जो है जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्राथमिक शिक्षक बहाली 2019-20 जो कि एक से पांच से संबंधित है, उस पर रोक क्यों लगी हुई है। तो आइए देखते हैं पहले न्यूज क्या है। तो न्यूज में दिया हुआ है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने को कहा है और पूछा है कि क्या प्रकाशित विज्ञापन में बदलाव किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से पटना हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट को बताया गया है कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को दिसंबर 2019 में CTET पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा में भाग नहीं लेने का निर्देश जारी किया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सरकार को यह बताने को कहा है कि क्या प्रकाशित विज्ञापन में बदलाव हो सकता है। तो ये तो आज की न्यूज हो गई कि जो है प्राथमिक शिक्षक बहाली पर पटना हाई कोर्ट ने रोक हटाने से इनकार कर दिया है। आइए आगे के क्रम में देखते हैं क्या है। आगे के क्रम में यहाँ पे 94,000 शिक्षकों की जो है बहाली होनी है, उसी न्यूज की जो है पूरी डिटेल्स जो है अगले पेज पे दी गई थी। और इसमें बताया गया है कि आवेदकों की ओर से बताया गया है कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94,000 शिक्षकों की बहाली की जानी है। अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी, ठीक है। कोर्ट को बताया गया कि शिक्षा विभाग ने प्राइमरी शिक्षकों की बहाली के लिए गत वर्ष 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की थी। इसके आलोक में विभाग ने 8 जून को प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया। इसमें कहा गया था कि NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 मार्क के DLED एवं TET तथा CTET पास उम्मीदवार 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। विज्ञापन में ही मेधा सूची की तैयारी सहित उसका अनुमोदन, सूची का प्रकाशन, आपत्ति का निराकरण सभी के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। इसी बीच विभाग ने क्या किया, 15 जून को एक स्मृति पत्र जारी करके CTET पास उम्मीदवारों का आवेदन नहीं लेने का निर्देश जारी किया। एक बार विज्ञापन प्रकाशित कर दिए जाने के बाद शर्तों में फेरबदल नहीं किया जा सकता, लेकिन विभाग ने ऐसा करके जो है छात्रों को जो है बहुत बड़ा झटका दे दिया है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या इंफॉर्मेशन थी। तो ये तो जो है प्रारूप जो है जारी हुआ था, DLED योग्यता अभ्यर्थियों को जो है मौका जो मिलेगा उसका जो है नियोजन का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे जो है जारी किया गया था। और इनकी जो शैक्षिक योग्यता थी वो NIOS से 18 महीने का DLED कोर्स कंप्लीट करना था, और साथ में बिहार TET या STET उत्तीर्ण जो लोग थे उनको जो है आवेदन करने का मौका यहाँ पर जो है दिया गया था, ठीक है। अब जो रोक लगाई गई उसके बारे में देख लेते हैं कि रोक क्यों लगाई गई थी। तो रोक जो है लगाई गई है दिसंबर 2019 में जो CTET उत्तीर्ण करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि दिसंबर 2019 में जो CTET उत्तीर्ण करने वाले आवेदक थे उन पर जो है रोक लगाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या न्यूज थी, ये पहले की न्यूज है, ठीक है। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 शिक्षकों के पदों पर चल रही नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने साफ संकेत दिया कि दिसंबर 2019 में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी 8 जून को निर्धारित नियोजन प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं है, ठीक है।
तो ये जो है न्यूज थी उस समय की। 18 माह का जो सेवाकालीन डीएलएड कोर्स करने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी ही अपना आवेदन जमा कर सकेंगे, ऐसा जो है बताया गया था। ठीक है, तो ये जो सारी कहानी है वो आपकी जो है दिसंबर 2019 में जो सीटेट उत्तीर्ण छात्र थे या आवेदक थे उनके बारे में है। अब आप पहले इसको एक चीज समझ लीजिए कि जब पहला विज्ञापन आया था 94,000 शिक्षकों की पद का, जो बहाली का जो पहला विज्ञापन आया था उस समय दिसंबर 2019 का जो सीटेट एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट नहीं आया था। ठीक है, और उस समय एनआईओएस यानी डीएलएड से जो शिक्षण प्राप्त किए थे अभ्यर्थी उनको भी जो है आवेदन में मौका नहीं दिया गया था। लेकिन हुआ क्या कि बाद में राजनीतिक दबाव या अन्य कारणों से या जो एनआईओएस के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आया था और पटना हाई कोर्ट में भी जो है ये आदेश मिला था कि जो है इनको बहाली में जो है लिया जाए। उसके बाद जो है इनको जो है दोबारा से जो है मौका दिया गया। ठीक है, और उस समय तक क्या हुआ कि दिसंबर 2019 के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो डीएलएड जो है कर रहे थे और वे क्या थे सीटेट परीक्षा जो है पास कर चुके थे, तो उन्होंने भी क्या किया कि आवेदन डाल दिया। लेकिन शिक्षा विभाग ने जो दोबारा से जो आवेदन मांगे थे उसमें जो प्रकाशन किया गया था नोटिफिकेशन का उसमें जो है ये नहीं लिखा था कि दिसंबर 2019 के जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो पात्र हैं कि नहीं है। उन्होंने सिर्फ टीईटी और सीटीईटी लिख करके जो है छोड़ दिया था, तो यहीं पे सारा पेच फंस गया था। अब पेच क्या है आइए उसको देख लेते हैं कि पेच क्या था। तो पेंच जो है आपको इस कटिंग से जो है समझ में आ जाएगा और आपको सारा मैटर जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिर झमेला क्या है इस पूरी भर्ती पे जो रोक चल रही है 1 से 5, सिर्फ 1 से 5 के लिए जो रोक चल रही है उस पर जो है झमेला क्या है। तो पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था, तब तक के लिए जो है 94,000 शिक्षकों की जो भर्ती पर थी कोर्ट की रोक थी। ठीक है, और ये रोक जो है लगाई गई थी न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार सहित सीटेट पास 71 अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई की थी। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रोक क्यों लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की जो एकल पीठ थी ने नीरज कुमार सहित सीटेट पास 71 अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर बुधवार को सुनवाई की थी। अब ये 71 अभ्यर्थी जो सीटेट पास हुए हैं ये डीएलएड वाले हैं कि बीएड वाले हैं कि बीटीसी वाले हैं, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार तथा रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षक बहाली के लिए 5 जुलाई 2019 को एक अधिसूचना जारी की। इसके आलोक में विभाग ने 8 जून को शिक्षक बहाली का विज्ञापन निकाला। विज्ञापन के अनुसार एनआईओएस द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 मई के डीएलएड एवं टीटी तथा सीटेट पास अभ्यर्थी 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो जो है आवेदन हो गया। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि 15 जून को एक स्मृति पत्र जारी करके सीटेट पास अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं लेने का निर्देश जारी कर दिया। ठीक है, यानी कि 15 जून को एक स्मृति पत्र जारी किया जिसमें डीएलएड पास सीटेट अभ्यर्थी जो है जिन्होंने आवेदन कर दिया था उनके आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश जो है शिक्षा विभाग ने जो है किया। बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है उन्होंने जो है सीटेट पास एनआईओएस से डीएलएड पास ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने दिसंबर 2019 की सीटेट एग्जाम पास की थी उनका आवेदन निरस्त करने का जो है निर्देश जारी किया था। ठीक है, क्यों जारी किया था, इसके पीछे कारण था, उसके पीछे यही कारण था कि जो सीटेट पास 71 अभ्यर्थी थे नीरज कुमार सहित जो सीटेट पास 71 अभ्यर्थी थे उनकी याचिका पर सुनवाई के आधार पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है लिख रहा है कि आवेदकों के वकील का कहना था कि एक बार विज्ञापन प्रकाशित कर देने के बाद विज्ञापन की शर्तों में फेरबदल नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, और उन्होंने जो है कोर्ट को यहाँ पे ये भी बताया गया कि 2012 में जो टीटी पास छात्रों की मान्यता अवधि को बढ़ाकर 14 मई 2021 कर दिया गया था। ठीक है, तो 2019 में पास सीटेट के अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं लेना अपने आप में गैर कानूनी है। अब पूरे राज्य में लगभग 94,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो 2012 में जो टीटी पास थे बिहार का, ठीक है, बिहार टीटी जो 2012 में पास किए थे उनकी जो अवधि खत्म हुई थी उसको बढ़ाकर 14 मई 2021 कर दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया ये भी समझ लीजिए। ऐसा इसलिए क्यों गया किया गया क्योंकि ये जो 94,000 शिक्षक की जो बहाली चल रही है और ये जो 94,000 जो रिक्तियां हैं ये आपकी उसी समय की हैं, यानी कि 2011-12 में जो आवेदन जो है मांगा गया था टीचरों की जो बहाली चल रही थी ये उसी समय की रिक्तियां हैं। इसलिए 2012 में जो आवेदित
अभ्यर्थी थे उनके जो है टीईटी सर्टिफिकेट की जो मान्यता थी उसको बढ़ा के 14 मई 2021 कर दिया गया। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि उसी बहाली का ये छठा चरण है। ठीक है, उसी बहाली का क्या है, ये छठा चरण है, इसलिए जो है इसको जो है आगे अलाउ कर दिया गया। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि 2012 के ही अभ्यर्थियों को जो है सिर्फ मौका मिलना चाहिए था और बाकी लोगों के लिए नई बहाली लेकर के अलग से आना चाहिए था, तो ये सारा झमेला ही खड़ा ना होता। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं कि दिसंबर 2019 में सीटेट पास को शामिल करने की जो मुख्य मांग है वो यही है और इसी के वजह से ये मामला जो है फंसा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि मामला कहां से शुरू हुआ है। प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियोजन छात्रों की मांगों के बीच फिर एक बार रुक गया। पहले एनआईओएस अभ्यर्थी की मांग पर नियोजन नहीं हो पाया, वहीं अब सीटेट दिसंबर 2019 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें शिक्षक नियोजन में शामिल किया जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो बात हो रही है, जो सीटेट दिसंबर 2019 के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं ये बीएड वाले हैं, बीएड और बीटीसी वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जब पहला आवेदन मांगा गया था तो उस समय ये परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए थे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, और जब दूसरा आवेदन एनआईओएस और डीएलएड वालों से मांगा गया तो उस समय ये लोग जो है सीटेट यानी कि एनआईओएस डीएलएड वाले भी और बीएड बीटीसी जो आवेदन नहीं कर पाए तो वो भी दोनों ने सीटेट दिसंबर 2019 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। ठीक है, और एनआईओएस वालों को जो है आवेदन मांगा गया लेकिन सीटेट दिसंबर 2019 पास करने वाले बीएड अभ्यर्थी और बीटीसी अभ्यर्थी जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सीटेट पास नहीं थे या बिहार टेट पास नहीं थे तो वे जो है छूट गए। उन्होंने ही ये याचिका जो है दायर की थी। ये जो 71 अभ्यर्थी थे ये वही थे जो सीटेट दिसंबर 2019 की परीक्षा जो है बाद में पास किए और इन्होंने जो है एक मौका सरकार से जो है मांगा क्योंकि अब उनका रिजल्ट जारी हो चुका है और दूसरे जो विज्ञापन में जो है बात की गई एनआईएस को जो है चांस देने के लिए तो उसमें भी ऐसे अभ्यर्थी थे जो सीटेट दिसंबर 2019 पास थे, उन्होंने आवेदन कर दिया। यहीं पे मौका जो है उनके हाथ में लग गया, नीरज के हाथ में, और उन्होंने जो क्या किया एक याचिका डाल दी जिसकी वजह से सारी बहाली प्रक्रिया रुकी हुई है। या तो सरकार एनआईएस डीएलएड जो दिसंबर 2019 है सीटेट पास है उनको बाहर कर दे, तब तो ये मैटर खत्म हो जाएगा। अगर इनको जो है बाहर नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है हाई कोर्ट को जो है ये आदेश जरूर देना पड़ेगा कि जो 71 अभ्यर्थियों की याचिका पड़ी है उसके आधार पर उन लोगों को भी दोबारा से आवेदन का मौका लिया जाए। तो कुल मिला जुला करके सरकार की जो ये शिक्षा विभाग की जो बहाली है ये जो है पूरी तरह से फंस चुकी है, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं क्योंकि बिहार में चुनाव का समय चल रहा है और राजनीति बहुत तेज है। ठीक है, तो अगर आप एनआईएस डीएलएड को बाहर करते हैं तो भी आपके वोट कम होते हैं और अगर उनको अंदर कर लेते हैं दोनों लोग को तो आपके वोट बढ़ते हैं। तो उम्मीद यही है कि बाहर तो शायद ना करें अंदर ही करेंगे, लेकिन अंदर करेंगे तो एक बेंच फिर फंसेगा कि पुनः फिर से आवेदन लिए जाएंगे, पुनः फिर से मेधा सूची बनेगी, तो ये सारा लफड़ा एक बार फिर से शुरू हो जाएगा और फिर बहाली प्रक्रिया आगे की तरफ जो है डिले हो जाएगी। तो ये सारा मैटर है, अब देखते हैं कि सरकार जो है क्या डिसीजन लेती है या सरकार के वकील क्या पक्ष रखते हैं। ठीक है, सारा कुछ मैटर उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि बहाली प्रक्रिया आगे स्थगित होगी या रुकेगी या रद्द भी हो सकती है, यानी 1 से 5 की बहाली प्रक्रिया रद्द भी हो सकती है, इसके लिए पुनः जो है फिर से आयोजन किया जा सकता है, ऐसी भी संभावना हो सकती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो ये बहाली प्रक्रिया जो है उसी अनुसार जो है आगे बढ़ेगी जैसा सरकार के निर्देश में आएगा कोर्ट के द्वारा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो आपको जानकारी जो है जरूर पसंद आई होगी और आपको सारा मैटर अब जो है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सब लोग जान सके कि 1 से 5 की बहाली जो है क्यों रुकी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करिएगा और उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद जो है ऑल पे क्लिक करिएगा। जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।